press the bell icon on the YouTube app and never... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया बैन होने जा रहा है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे आरजू काजमी और कमर चीमा का बड़ा ही जबरदस्त और मजेदार डिस्कशन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए चीमा साहब के नई गवर्नमेंट आ गई, सबसे पहले तो खैर सभी को मुबारक हो कि आखिरकार आई गई, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि ये चीजें जो बिगड़ चुकी हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो और दूसरी चीजें जो मुल्क के अंदर चल रही हैं, क्या उसको संभाल पाएंगे? और आते के साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का राग अलाप दिया। हमेशा जो प्राइम मिनिस्टर आता है, आते के साथ ही भारत की तरफ जो कश्मीर है उसकी बात शुरू कर देता है कि वहां बड़ा जुल्म हो रहा है और हम उनके साथ खड़े हैं वगैरह वगैरह, सेम वही लाइन। बहुत शुक्रिया मैडम। सबसे पहले तो देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है ना, उसको बहुत काम करने की जरूरत है। ये बड़ी देर के बाद एक गवर्नमेंट आई है जो कि एक्सटर्नल लेजिटिमेसी पे सर्वाइव करेगी। इंटरनली इसके लिए क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट विन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग समझते हैं कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। हालांकि ये एक नैरेटिव जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाया है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ये कहती है कि ठीक हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जहां पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जीती है वो कहते हैं सही है, जहां पे हारे हैं वो कहते हैं गलत है। लेकिन जब तक आप एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन, क्रेडिबल निज़ाम के जरिए इलेक्ट नहीं होंगे, क्वेश्चन तो लगेंगे ही। पूरी दुनिया में अक्सर मिसालें दी जाती हैं, अमेरिका के अंदर भी इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बात होती है। बहरहाल ये पहली बात तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी, ताकि वो ट्रस्ट विन कर सकें। दूसरी बात जो आप कह रही हैं मैडम, मेरा ख्याल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो कल स्पीच की थी जो प्राइम मिनिस्टर एज ए, उसमें तो उन्होंने लार्जली कोई इंडिया का जिक्र ही नहीं किया। और मेरा ख्याल ये चीज़ बड़ी मुझे खटक रही है कि क्यों पाकिस्तान की नई हुकूमत ये समझ रही है कि हमें भारत से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और क्यों इंगेज करना ज़रूरी नहीं है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत ही देर से हम पैगामात भेज रहे हैं लेकिन जवाब नहीं आ रहा? सो इट्स अ टाइम टू स्टे साइलेंट फॉर सम टाइम एंड वेट के वो क्या करते हैं। और दूसरा, क्योंकि भारत के अंदर खुद अगले महीने से इलेक्शन शुरू हैं, अप्रैल में से, सो लेट्स वेट एंड वॉच वहाँ पे क्या होता है, देखते हैं, फिर उसके हिसाब से जो है वो सवाल जवाब करेंगे। अभी तो इट्स टू अर्ली टू टॉक। सो मुझे लगता है, एंड देन कोई भी वज़ीर आज़म आए, कश्मीर की बात तो उन्होंने करनी होती है, बिकॉज ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। जैसे इंडिया में कोई भी वज़ीर आज़म आएगा तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी बात ज़रूर करनी है जो इंडियन आवाम को अच्छी लगेगी। सो पाकिस्तानियों ने भी ऐसी बात करनी है जो पाकिस्तानियों को अच्छी लगे। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल दिन है। 25-26 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं, पॉलिटिकल रिकॉन्सिलेशन जैसे मसाइल हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंगेज करना है, आवाम परेशान है, महंगाई का इशू बन सकता है, गर्मियां आ रही हैं, इन्फ्लेशन हो सकती है, बिजली के बड़े बड़े बिल आएंगे, लोग परेशान होंगे। सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। लेट्स सी कि क्या होता है मैडम। सर IMF की तरफ तो जा ही चुके हैं और अब लग ये रहा है कि कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आपके ख्याल से नई गवर्नमेंट क्या इसमें से निकलने की कोशिश करेगी, या वही एक तरीका रहेगा कि कभी वर्ल्ड बैंक से मांग रहे हैं, कभी IMF से, कभी सऊदीया से, कभी चाइना से, क्या खुद कभी पाकिस्तान इस काबिल हो सकेगा कि अपने पांव पे खड़ा हो? देखें जी, क्वेश्चन ये है कि आज अगर आप IMF नहीं जाते तो क्या होगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके लिए मुल्क को तैयार होना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इस गवर्नमेंट में और जो 2018 में गवर्नमेंट में आई थी, दोनों में एक डिफरेंस है। 2018 की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी नहीं थी और उन्होंने बहुत देर जाकर IMF प्रोग्राम लिया, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस गवर्नमेंट के पास क्लैरिटी है कि हम IMF के पास जा रहे हैं। सो ऑलरेडी दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, उनके लोग बैठे हुए हैं, दे आर वर्किंग हाउ टू मूव ऑन विद दिस। सो मुझे ज़ाती तौर पर ऐसे लगता है कि ये जो हुकूमत IMF जाएगी, डील्स होंगी, आके ये दोबारा इन्फ्लेशन करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, लेकिन मुझे डर ये आ रहा है कि जितनी क्रेडिबिलिटी का इनका प्रॉब्लम है मैडम,
लोग शायद टैक्स ही ना दें, जो पहले देते थे वो भी ना दें। आपको याद है इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं वो अपने लोगों को बाहर बैठ गए थे पाकिस्तान पैसे ही ना भेजो। और मुझे याद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट आई साल पहले, तो आपको पता है कि फॉरेन रेमिटेंस कम हो गई थी। और ये हुआ, वो जो क्वार्टरली रिपोर्ट आती थी स्टेट बैंक में, उन्होंने बताया कि रेमिटेंस नीचे गिर गई है। वो रेमिटेंस क्यों नीचे गिरी है, क्या हुआ है? सो मैं समझता हूँ कि ये IMF जो है, क्लैरिटी होना कि IMF के पास जाना है इज अ गुड डिसीजन। सेकेंडली उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कैसे चीजें चल सकती हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो मुझे लगता है कि क्लैरिटी है, हाँ महंगाई करनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। मैं आज वो देख रहा था कि भारत की एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है जो कि डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए प्लान करती है, तो मैं रिसेंटली देख रहा था पिछले दिसंबर में उन्होंने कुछ 26-27 अरब डॉलर के डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करना है, पता नहीं वो 9 ट्रिलियन रुपीज़ बनता है, टोटल 14 ट्रिलियन का तो पाकिस्तान का बजट होता है। तो उनकी तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ये बैठ के फैसला कर रही है कि हमने क्या करना है। सो हमारा उनका मुकाबला कोई नहीं है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी या इन चीज़ों के, लेकिन जितना वो दिफा पे लगा रहे हैं इतना हमारे जो है वो टोटल बजट जो है हम उसको देख रहे हैं। सो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे मैडम कि आपकी सोच है, और उसके लिए फिर अवाम पे प्रेशर पड़ेगा, पैसे निकालेंगे। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानियों के पास पैसा नहीं है, पैसा ज़रूर मौजूद है, लेकिन अब रमज़ान आ गया है, लेकिन हम दो नंबरी करते हैं, हम टैक्स नहीं देना चाहते, हम हुकूमत को पैसे नहीं देना चाहते, हम खैरात करते हैं डायरेक्ट खैरात कर देंगे, टैक्स नहीं देंगे। मैं समझता हूँ ये भी हम लोग भी वो जो एक होती है ना एक नाइंसाफ़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं, हुकूमत को टैक्स ज़रूर देना चाहिए ताकि एट दी एंड ऑफ द डे आम आदमी को, एंड देन हुकूमत को भी फिर वो अलल्ले तलल्ले नहीं करने चाहिए, जो एक UNDP की रिपोर्ट है कि 17 अरब डॉलर तो पाकिस्तान की एलीट खा जाती है। सो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए, ताकि एटलीस्ट अगर IMF हमें कहे अपने लोगों पे बोझ डालो, मजीद टैक्स डालो, तो लोगों को पता चले हम टैक्स दे रहे हैं लेकिन इन रिटर्न हमें कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमारे बच्चों को एजुकेशन है, सोशल सिक्योरिटी है, आपकी ओवरऑल लाइफ जो है वो बेहतर है, तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। सर आम आदमी तो टैक्स दे रहा है, आम आदमी तो खैर टैक्स रोक भी नहीं सकता, वो तो बैंक वैसे ही ले लेते हैं, उनके अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसके हिसाब से टैक्स वैसे ही कट जाता है। ये तो जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये तो असल में चोरी वोरी तो उनके यहाँ होती है, चाहे वो बिजली चोरी हो चाहे वो टैक्स चोरी हो, उनको तो उनके ऊपर तो ये हाथ डालते ही नहीं है, उनको तो छोड़ देते हैं। आम पब्लिक से कौन पूछता है कि टैक्स देना है नहीं देना, हमारा तो टैक्स वैसे ही कट जाता है। मैडम वो जो हमारा आम पब्लिक का टैक्स कटता है वो तो सारी बात है इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना, ठीक है, वो तो बिल्कुल एक उसका एक मेथड ही और मैकेनिज्म ही और है, लेकिन असल तो जो टैक्स है वो हमारी जो जो पब्लिक में बिजनेस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सैलरीड क्लास है वो ज्यादा टैक्स देती है एज कम्पेयर टू द बिजनेस कम्युनिटी। जो बिजनेस कम्युनिटी क्या करती है, हुकूमतों ने कहती है कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट के बदले हम आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे बिकॉज आप डॉलर अर्न कर रहे हो तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। तो वो जो एक्सपोर्ट वाले लोग हैं वो तो वैसे ही नहीं टैक्स देते, और जो इंटरनल बिजनेस कर रहे हैं ठीक है वो कहते हैं जी हमें वो फिर वैसे ही टैक्स भाग जाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट वाले बंदा जो है वो पाकिस्तान को टैक्स नहीं देता, वो कहता है जी वो तो मैं आपके ऊपर शान कर रहा हूँ, मैं तो आपको डॉलर लेके दे रहा हूँ, देखे मैंने ये $100 मिलियन की प्रोडक्ट बेची, $200 मिलियन का ये किया, $300 मिलियन का ये किया। सो वो तो वैसे ही हमारे साथ जो है वो हाथ कर जाता है, और इंटरनली आई विश के हमारे लोग टैक्स दें ताकि हम एटलीस्ट सर्वाइव तो करें, मतलब इतना तो टैक्स हो कि इतना गैप ना हो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हमारे लिए मसले बने हुए हैं। बिल्कुल सर, खैर लोन तो अक्सर कंट्रीज लेती हैं लेकिन साथ काम भी करती हैं, और सिर्फ उसी के ऊपर नहीं रह रही होती, हमारा अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट कंट्रीज से पैसा मांग के ही रह रहे हैं। अभी भी सऊदी अरब ने हमें खजूरें भेजी हैं, लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो वहां पे वो बिजनेस करेंगे, उन्हें खजूरें नहीं भेजते। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और डॉक्टर कमर चीमा का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे आपने देखा पाकिस्तान की बौखलाहट ऐसी बढ़ चुकी है कि सोशल मीडिया ही बैन करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।